हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अब मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो अयान को और इनको मैं खाना खिला दूँ और उसके बाद जाना है मुझे मार्केट। और आज मैंने हरी मेहंदी लगाई थी सर में, देखी ब्राउन सा कलर आ गया है। तो मैंने सर तो धो लिया था लेकिन मैंने शैम्पू नहीं करा, इस वजह से देखिए कलर चढ़ा हुआ अभी मेहंदी का। तो मैं अयान को और इनको खाना दे दूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। और मैं घर गई थी, उससे पहले कुछ सामान लेके आई थी, वो मुझे चेंज करना है, तो बस इसीलिए जाना है। और मोटर चल रही है उसकी, देखिए आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर करना क्योंकि आज टंकी खाली हो गई थी। और खुशी देखी हो गई है रेडी, तो पहले मैं इनको खाना खिला देती हूँ और अयान को नहला देती हूँ, क्योंकि मैंने अयान को अभी नहलाया नहीं है। तो ये बाप बेटी दोनों एक भी नहीं आए हैं। और आज है मंडे, मंडे को अयान की छुट्टी थी क्योंकि बड़े बच्चों के पेपर हो रहे थे, तो इस वजह से अयान की छुट्टी कर रखी थी। तो रोटी मैं सेक लेती हूँ और बाकी सब्जी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, तो मैंने पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है। और अयान क्या है, जब ये घर पे होते हैं ना तो मेरे साथ खाना नहीं खाता, अपने पापा के साथ ही खाता है। तो अभी ये खाएंगे तो उनके साथ खा लेगा ये। तो खाना मैंने कर दिया है रेडी, और ये गाजर और मूली का मैंने अचार रखा था। पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरे हाथ का अचार ना ख़राब नहीं हुआ है, नहीं तो मेरे हाथ से पता नहीं क्या अचार मैं मिर्च का अचार रखूं या आम का रखूं, ख़राब हो जाता है। और ये अचार अयान को और इनको काफ़ी पसंद आया है, तो जब ये खाना खाएंगे ना तो ये अचार तो ज़रूर खाएंगे। पर्स ले लो, अयान को मैंने सुला दिया है, पर्स ले लो। तो ये सो रहे हैं, पढ़ लिया तो फटाफट चलते हैं वरना पता लग जाए या उठ जाए। चलो, क्यों खुशी से मैं कह रही हूँ कि जूती पहले क्या पहना है। एक ये होता अगर पैदल चलो ना तो सैंडल पहन के चला भी नहीं जाता है। मेरी तो जूती निकाल दो, मैं तो जूती पहनूंगी। दोपहर में मार्केट में आने का ये फ़ायदा होता है, भीड़ नहीं है। और संडे के दिन इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और जो सामान मुझे चेंज कराना था वो मैंने करा लिया है। सामान क्या था, मैं घर गई थी उससे पहले मैं ज्वेलरी लेके आई थी अपने लिए, तो बस वही मुझे चेंज करानी थी, तो वो मैंने करा ली है। और बाकी आ गई हूँ, देखिए मैं इधर ले रही हूँ टी शर्ट इनके लिए, और कुछ अयान के लिए देख लेती हूँ, पसंद आ जाएगा तो मैं उसके लिए भी ले लूँगी और अपने लिए भी देख लूँगी मैं कुछ। कितना भी टाइम, गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा है, किसी का तो मुँह लाल हो गया। ऊपर से खुशी ने बैग भी पकड़ रखा है सामान का, है ना। अभी ये सिलाई का मौसम कहाँ है, हम भी तो पागल हैं जो दोपहर में घर से निकले हैं। मैं दबाते शाम को, पर वही आते हैं टाइम, शाम को ही है ना, शाम को आते तो फिर अयान साथ में आता ना, इस वजह से। मेरे अयान का ना जल्दी से साइज़ मिलता नहीं है, तो मैंने अयान के लिए कुछ नहीं ले पाया। और इनके लिए मैं 4 टी शर्टें ले आई हूँ और एक अपने लिए ले आई थी, मुझे पसंद आ गई थी। और मेरा अयान एज के हिसाब से ना ये पतला है ना, तो इस वजह से इसका साइज़ जल्दी से मिलता नहीं, और बच्चों के कपड़े अभी थे भी नहीं उसमें ज़्यादा। तो देखिए इनके लिए मैं कभी भी ना कोई भी कपड़ा लेके आऊँ ना, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये स्टिकर देख रहे थे, पूछ रहे हैं कि ये कितने के लेके आई हो। और इनको ब्रांडेड चीज़ ज़्यादा पसंद है, लोकल कभी पसंद करते हैं ये। और ये अपने आसे भी कभी भी लेके आए ना तो 63,800 रुपये से कभी नीचे लेके नहीं आते हैं।
मैंने ही बोला था मैंने की चाय बना लेना। इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म समोसा, ऊपर से गर्म चाय, तरह की एक दीदी को दे दो। नहीं नहीं दोगे? नहीं। क्यों दीदी जान? अभी दीदी पहले आयान ने फोन करके बोला कि मम्मा मेरे लिए मैगी ले, वो लेके आना चाउमीन, तो चाउमीन कहीं मिली नहीं, तो फिर मैं समोसे ले आई थी और समोसे भी नहीं खाई, कह रहा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो ये आइसक्रीम लेके आए हैं। जा रहे हो? लेट आओगे? क्यों चला रहे हो? एक बार ना ऊपर चढ़ जाओ, वो जो बाल्टी रखी हुई है ना वो वाली उतार लो। उस पे बॉक्स किसने रखा? वो तो खाली है, उसमें वजन नहीं है। नहीं रखा किसने? वैसे मौसा ने रखा होगा। अजीब, ये मैंने चिप्स बनाए थे तो ये ना प्लास्टिक के बर्तन में भर के रख दूंगी ना, तो ये सीलन नहीं आएगी, इसमें खराब नहीं होंगे। मैं खुशी को ऊपर चढ़ाऊंगी। चढ़ जाओ। हाँ बेटा, अयान मेरा कह रहा है कि मम्मा मुझे फोन दे दो, टीवी में ऐड आ गई और टीवी में ये कार्टून देख रहे थे। आराम से चढ़ना, नीचे जाओ। ये एक्स्ट्रा सामान ना मैंने सारा ऊपर रख रखा है, जो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार जरूरत पड़ती है इसकी। आप क्या करोगे? आप भी चढ़ोगे? वो भी उतारोगे? हाँ, इसकी वो होगी प्लेट है ना, वो भी निकाल दो। इसे ऊपर वैसे भी मैंने ना ये रखी। ये होता है चिप्स ना बिल्कुल काले नहीं पड़े हैं। नाले नाले किसी को उसी टब में बिठा दो। ये थोड़े से कपड़े हैं ना, इसके लिए मशीन क्या लगा, वासी धोखे डाल देती हूँ। कपड़े तो मैं सुखा देती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, कभी कभार ना कपड़े ऐसे भी धोने चाहिए, लेकिन कहते नहीं है जब इंसान मशीन में धोने लग जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाता है, वही मैं हूँ। तो ऐसा थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा चलो हाथ धो के डाल देती हूँ। और वैसे तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े अब सुबह ही सुबह धोती हूँ 9-10 बजे, और अभी रात के 9 बज चुके हैं, तो अभी बनाना है मुझे खाना। और आयान खुशी दोनों कह रहे थे कि मुझे मैगी खानी है, तो देखिए जब तक मैंने कपड़े धोए इधर खुशी ने मैगी बनने भी रख दी है, तो मैं अपने लिए रोटी सेक लेती हूँ क्योंकि ये खाना खा के आएंगे, तो फिर मैं अकेले के लिए मैंने मालूम किया, मैंने सब्जी भी नहीं बनाई है, जो मैंने दोपहर में बनाई थी कड़ी वही रखी हुई है, तो मैं तो उसी से खा लूँगी। बाकी ये भाई बहन दोनों मैगी खाएंगे। बच्चों को ये चीज़ें ना काफ़ी पसंद आती हैं, मैगी खिला दो, चाउमीन खिला दो, बर्गर खिला दो। और मेरा तो आयान भी ऐसा ही है और खुशी भी ऐसी है, तो खाना हो गया है, देख ही रह रही। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं ये एंड करूँगी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।